हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने चैप्टर नंबर 14 से एक्सरसाइज 14.4 लेकर आया हूँ। देखिए 14.1, 2 एंड 3 के अंदर हमने मीन, मोड और मीडियन निकाला था, लेकिन यहाँ पे 14.4 में आपको अजीब बना के दिखाने हैं, यानी कि ग्राफिकली इनको सॉल्व करके दिखाना है। अजीब कैसे बनता है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस टेबल में दे रखा है वो 50 वर्कर्स का दे रखा है जो कि एक फैक्ट्री के अंदर है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउ टू अ लेस देन टाइप, इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है, लेस देन टाइप। देखिए लेस देन टाइप और मोर देन टाइप होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल देखी 100 to 120 है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 100 to 120 है। यदि इसको हम मोर देन टाइप बनाते तो यहाँ लिखते कि मोर देन 100, और यदि हम इसको लेस देन टाइप बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे लेस देन 120। कैसे लिखेंगे अभी हम आपको बताएंगे। वो कह रहा है कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। देखिए ओजीव बनाने में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसको लेस देन टाइप या मोर देन टाइप बनाइए, और फिर उसके अंदर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकालिए। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने आपको 14.3 के अंदर सिखाई थी, कैसे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेली इनकम, डेली इनकम में 100 से लेके 120, 120 से लेके 140, 140 से लेके 160 और 160 से लेके 180 और 180 से लेके आपकी 200। यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये 12 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है, और यहाँ पे आपको पता है ये टोटल जो है वो आपका 50 है। अब हमें इसको बनाना है लेस देन टाइप। लेस देन टाइप बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे लेस देन किससे है, 120 से है, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200। इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये जो 12 है ये एज इट इज, 12 में 14 ऐड कर दिया, 12 में 14 ऐड कर दिया हमारा है 26, 26 में 8 ऐड कर दिया 34, 34 में 6 ऐड कर दिया 40 और 40 में 10 ऐड कर दिया 50, यानी कि ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें ये दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ओजीव के अंदर चाहिए है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। कैसे देखिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 10, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और ऐसे यहाँ पे सबसे पहले है 120, कौन ये है लेस देन टाइप, और यहाँ पे आपका आएगा सी एफ। देखिए यहाँ पे आप लिखोगे सी एफ,
ये लेस देन टाइप में 120, 140, 160, 180 और 200। 120 पे कितना है? 12 है। देखिए मैं यहां पे पॉइंट बना रहा हूं, 12 एक पॉइंट। दूसरा यहां पे देखिए लेस देन 140 में 26 है, तो 26 हमारा ये बना। 160 पे 34 है, 34 30 से ऊपर। 180 हमारा 40 है, 40 40 के सामने, यानी कि 1 ये 40 180 पे। और लेस देन 200 पे 50, और 50 हमारा 200 पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम ऐसे शुरुआत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 से 120 का कोई वो नहीं होता, गैप नहीं होता, तो इसलिए हमने क्या किया कि इससे पहले बहुत सारे है, और यहाँ से हमने यहाँ से लेके यहाँ से 20 का गैप बनाना स्टार्ट किया है। अब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे इससे, हम पेन ले लेते हैं दूसरा, यहां से बनाएंगे इससे, यहां से इससे, इसको इससे टच, इसको इससे टच, और इसको इससे टच। कहने का मतलब है लेस देन टाइप के अंदर जो हमारा ग्राफ जो ऑजीव बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, और यदि ये मोर देन टाइप होता तो ऊपर से नीचे की तरफ आता। कैसे? आगे क्वेश्चन आएगा जब हम बताएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, ड्रॉ अ लेस देन टाइप। देखिए पहले से ही लेस देन टाइप आपको ड्रॉ करके दे रखा है ओजीव। गिवन द डाटा हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आपने ओजीव ही बनाने, ये भी लेस देन टाइप है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। हाईएस्ट जो है वो आपका कितना है? 0 से 35 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। और ऐसे ही इधर देखिए, ये जो है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब यहां से लिखेंगे लेस देन टाइप। क्या है ये? लेस देन टाइप। ये 38, फिर 40, फिर आपका 42, फिर 44, 46, 48, ये आपका 50 और ये 52। इस तरह आपने लेस देन टाइप बना लेना है। ये हमारा जो चलेगा ये CF चलेगा ऊपर की तरफ। अब देखिए लेस देन 38 जो है वो हमारा किससे है? मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं यहां पे, पहला पॉइंट। लेस देन 40 है वो आपका 3 हमारा यहां आ जाएगा 5 से नीचे। 42 जो है 5 है, ये करेक्ट 5 पे। 44 आपका 9 है, ये आपका 9, सॉरी 10 से ऊपर चला गया ये, तो 44 पे 9। 46 पे 14, 46 पे 14, 48 पे आपका 28। आपको ये ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है। 50 पे आपका 32, और 52 पे आपका जो है 35, और इस तरह आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। मैंने बताया था लेस देन टाइप में ऊपर जाता हुआ मिलेगा आपको। इस तरह आपने इस तरह ये ओजीव ड्रॉ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्मर्स फार्म्स ऑफ अ विलेज।
चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप, इसको हमें बनाना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड्रॉइड्स और जीव। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्शन यील्ड दे रखी है, प्रोडक्शन यील्ड जो है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। नंबर ऑफ आर्म्स जो है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये 2, 8, 12, 1, 24, 38 और 16। अब हमें बनाना है इसको मोर देन टाइप। क्या बनाना है? मोर देन टाइप, ये लिखना है मोर देन। किससे मोर देन होगा? इसमें देखिए 50 से या 55 से, तो 50 मोर देन 55 मोर देन 60 मोर देन 65 मोर देन 70 मोर देन 75। यहां पे आपका जो है वो सी एफ निकलेगा। ये 2, 2 में 8 ऐड कर दिया, 10, 10 में 12 ऐड कर दिया, 22, 22 में 24 ऐड किया, 46, 46 में 38 ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4, 84, 84 में 16 ऐड करेंगे 100। ये हमारा जो आया वो सी एफ आया। अब ये मोर देन टाइप हमने ओजीव का डाटा तैयार कर लिया है। अब हम इसको किससे सोल्व, यानी एक ओजीव बनाएंगे। यहां पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ऐसे ही यहां पे बनाना आपने मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में यहां पे 50, ये 55, ये 60, ये 65, ये 70, 75 और ये 80 तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है 50, मोर देन 50 कितना है 2 है ओनली, कितना है 2। फिफ्टी फाइव पे 10 है, 50 अब यहां देखिए 60 पे आपका 22 है, 22 हमारा यहां पे, फिर 65 पे आपका 46 है, 70 पे आपका जो है 84 है और 75 पे आपका 100 है। अब ये देखिए इसको मिलाते कैसे है, तो ये हमारा किस तरह बन गया। ये भी हमारा मोर देन टाइप में जो ओजीव हमने तैयार कर दिया। तो देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर केवल 3 ही क्वेश्चन थे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। जो भी स्टूडेंट
टेंथ क्लास के अंदर है, उनका हमने मोस्टली सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। जिस भी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे नंबर पे कॉल करके कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम नेक्स्ट टाइम पर CBSE बोर्ड से रिलेटेड जब सिलेबस कराएंगे या स्टेट बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस कराएंगे, तो हम उन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखेंगे और वन बाय वन उन प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। थैंक यू।